subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग. जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेस. फ्रेंड्स, हम लोग ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर के अंदर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस ये दो टॉपिक ऑलरेडी खत्म कर दिए. अब एक टॉपिक इसके अंदर बाकी है, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन द सब्सिक्वेंट पीरियड, यानी नेक्स्ट ईयर. उसमें एरर्स कैसे रेक्टिफाई होंगे, तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं. लेट सपोज कि 2018 के अंदर, कौन से ईयर के अंदर, 2018 के अंदर हमने 2018 के अंदर एक परचेस की, परचेस ऑफ रुपीज 100. कितने रुपीज की परचेस की, 100 फ्रॉम राम. और इसको हमने रिकॉर्ड किया, ये तो हमारा ट्रांजैक्शन है. हमने गलती से इसको रिकॉर्ड क्या किया, तो हमने इसको परचेस बुक में रिकॉर्ड किया, परचेस बुक में रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डेड एज रुपीज 10. हमने उसको परचेस बुक में गलती से कितना रुपया रिकॉर्ड कर लिया, 10 रुपीज रिकॉर्ड कर लिया. तो कैन आई से, यहां पे अगर राइट रॉन्ग एंट्री की बात करूं तो कैन आई से इसकी राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैन आई से इसकी राइट एंट्री होनी चाहिए थी परचेस अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, आया ना, यस. और कैन आई से राम के अकाउंट को कितने से क्रेडिट करना चाहिए था, 100 रुपीज से क्रेडिट करना चाहिए था, आया ना, यस. बट क्योंकि मैंने परचेस बुक के अंदर ही ट्रांजेक्शन को कितने से रिकॉर्ड कर दिया, 10 रुपीज से रिकॉर्ड कर दिया, इसके लिए मेरे परचेस अकाउंट में भी कितना गया होगा, परचेस अकाउंट में भी 10 गया होगा. और कहना इसे राम के अकाउंट में अमाउंट कहां से देख के लिखूंगा, बुक में से देख के लिखूंगा, तो राम के अकाउंट में भी कितना गया होगा, 10 रुपीज गया होगा, यस और नो. कहना इसे ये मिस्टेक हो गई. अब ये मिस्टेक हमें कब ट्रायल बैलेंस के अंदर पकड़ी नहीं गई, ये मिस्टेक्स ट्रायल बैलेंस के अंदर हम नहीं ढूंढ पाए. क्यों नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो सिर्फ वही एरर मालूम पड़ेंगे जिनमें डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होता है. तो इस केस में अगर देखोगे तो कहने ही से कि यहां पे 10 रुपीज डेबिट है, यहां पे 10 रुपीज क्रेडिट है, तो कहने ही से इवन दो एंट्री रॉन्ग है, लेकिन उस रॉन्ग एंट्री के अंदर डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल है ना. तो जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा तो कहने से आपके डबल इफेक्ट सही होगा, तो अकाउंट्स में हमेशा सारी चीज क्या होंगी, टैली होंगी. कोई भी चीज आपकी ऐसी नहीं होगी जो टैली नहीं होगी. तो इसलिए ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल आ जाएगा और हमें इस एरर का नहीं मालूम पड़ेगा. तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को इस एरर का नहीं मालूम पड़ा और अकाउंट्स डिपार्टमेंट आगे गया. और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, यानी पीएनएल एंड बैलेंस शीट. तो हम लोग ने इस साल का पीएनएल बैलेंस शीट बनाया. तो लेट सपोज इस साल का पीएनएल की बात करता हूं, तो पीएनएल में लेट सपोज कि हमारा सेल्स कितना हुआ, तो लेट सपोज 1000 रुपीज का सेल्स हुआ, बराबर है. और हमारा परचेस एक्सपेंस है, हमारा परचेस लेट सपोज 500 का परचेस हुआ और 10 रुपीज का ये वाला परचेस, ये हुआ एक्चुअली कितने का है, 100 का, लेकिन हमारी बुक्स में ये कितने का दिख रहा है, 10 का. तो एक्चुअल में 500 रुपीज का दूसरा परचेस प्लस 10 रुपीज का ये परचेस, तो हमारा पास टोटल परचेस कितना हुआ, टोटल परचेस हमारा कितना हुआ, 490. कितना हुआ, 490. कहना इसे ये अकाउंट्स गलत है कि नहीं है, यस. क्यों, क्योंकि भाई परचेस एक्चुअली ये 10 नहीं है, कितना है, 100. करेक्ट अकाउंट्स क्या होते, तो कहना इसे करेक्ट अकाउंट्स ये होते कि भाई सेल्स हमारी 1000 रुपीज है और परचेस हमने दूसरे परचेस 500 के, और ये वाला परचेस कितने का रिकॉर्ड करना चाहिए था, हमें 100 का रिकॉर्ड करना चाहिए था. और कहने से हमारी परचेस कितनी होती, 600, और हमारा प्रॉफिट कितना होता, कितना होता हमारा प्रॉफिट, 400 का, यस और नो. कहने से ये राइट अकाउंट्स होते हैं हमारे, बट क्योंकि हमें मालूम नहीं पड़ा तो कहने से हम लोग ने ये वाले अकाउंट्स नहीं बनाए हमारी बुक्स के अंदर. हमने कौन से अकाउंट्स बनाए हमारी बुक्स के अंदर, ये वाले अकाउंट्स बनाए, यस और नो. कहने से हमारे अकाउंट्स गलत हैं कि नहीं है, गलत हैं, बट हमें नहीं मालूम. अभी देखो रिलायंस जैसी कंपनी में कहने से छोटे मोटे एरर तो नहीं मालूम पड़ेंगे, तो हमें ये एरर का नहीं मालूम, तो इसके लिए हम वेट थोड़ी ना करेंगे. कहने से हम लोग ने तो हमारा बैलेंस शीट और पीएनएल बना के आगे बढ़ गए. अब अगले साल की बात करते हैं, नेक्स्ट ईयर. तो देखो नेक्स्ट ईयर 2019 का साल है, कौन सा साल है, 2019 का साल है. अब 2019 के साल में हम लोग वापस 2019 का पीएनएल एंड बैलेंस शीट बनाएंगे, यस और नो, यस. 2019 का बैलेंस शीट एंड पीएनएल बनाएंगे, और इसमें मैं लिखता हूं सेल्स 1200 रुपीज. सेल कितना है मेरा, 1200, अज्यूम कर रहे हैं सेल कितना है, 1200 रुपीज. और मेरा परचेस लेट सपोज
मेरा परचेस है यहां पे 600 रुपीज। कितना परचेस है? 600 रुपीज। लेकिन जब मैं 2019 के पेपर बना रहा था तो मुझे पता चला कि लास्ट ईयर यानी इन 2018 मैंने सेल्स बुक में, सॉरी परचेस बुक में 90 रुपीज कम रिकॉर्ड किया है। 90 रुपीज मैंने क्या किया है? कम रिकॉर्ड किया है। वॉज रिकॉर्डेड लेस। 90 रुपीज मैंने क्या किया है? कम रिकॉर्ड किया है। यस और नो? तो कहना इसे 2019 में मुझे 2018 का एक एरर मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? यस yes. अब आप बताओ इस एरर को मुझे रेक्टिफाई करना चाहिए कि इस एरर को मुझे रेक्टिफाई नहीं करना चाहिए? इस एरर को मुझे रेक्टिफाई करना चाहिए कि इस एरर को मुझे रेक्टिफाई नहीं करना चाहिए? अब जो लोग मुझे बोलते हैं कि सर इस एरर को आपको रेक्टिफाई नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका साल कौन सा चल रहा है, आपका साल 2019 चल रहा है, एरर 2018 का है यानी ट्रांजैक्शन लास्ट ईयर का है, इसको हमें इस साल रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा दलील ऐसा है कि भाई आप बोलते हो कि लास्ट ईयर का ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड मत करो, यस, लेकिन आप सीए हो और जब आप सीए हो तो कहना इसे आप बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखोगे? आप बैलेंस शीट के नीचे 2019 की बैलेंस शीट के नीचे आप साइन करोगे कि द अबाउ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर। यस और नो? आप क्या साइन करोगे? अबाउ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर। लेकिन कहना इसे आपकी बैलेंस शीट में राम नाम का एक क्रेडिटर होगा। राम नाम का क्या होगा? एक क्रेडिटर होगा। कहना इसे आपने अगर परचेस बुक में 90 रुपीज कम रिकॉर्ड किया तो राम के बुक में भी कितना कम रिकॉर्ड किया होगा? 90 कम रिकॉर्ड किया होगा। तो कहना इसे इस साल की बैलेंस शीट में, 2019 की बैलेंस शीट में कहना इसे हमारा राम एक क्रेडिटर है, वो 90 रुपीज से क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है। आपको यह बात मालूम है कि आपका लास्ट ईयर का एक एरर है, उसकी वजह से इस साल के क्रेडिटर भी क्या दिख रहे हैं? कम दिख रहे हैं। इस साल के क्रेडिटर भी क्या दिख रहे हैं? कम दिख रहे हैं। लेकिन आप फिर भी साइन कर रहे हो ये बोल के कि अबाउट स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर। कैसे ट्रू भाई? आपको खुद को मालूम है कि क्रेडिटर्स 90 रुपए से कम दिख रहे हैं। तो कहने से आप ये साइन करके गलती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस। तो आप ऐसे साइन नहीं कर सकते। कहने से ये एरर हमें रेक्टिफाई तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एरर रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो हमारा कहने से हम इसके नीचे साइन नहीं कर पाएंगे और ये हमारे अकाउंट्स प्रॉपर नहीं होंगे, ये हमारे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देंगे बिजनेस का। यस और नो? लास्ट ईयर देखो, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी क्रेडिटर्स 90 रुपीज से कम दिख रहे थे और हमने उसकी बैलेंस शीट के नीचे साइन किया होगा कि अबाउट स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर। बट लास्ट ईयर मुझे मालूम नहीं था ना कि ये एरर है, मैंने जानबूझ के थोड़ी ना वो स्टेटमेंट दिया। मैं देखो वहां पे लाइन क्या लिखता हूं, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, यानी जितना मुझे पता है उसके हिसाब से द अबाउट स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर। कहने से 2018 खत्म होते होते मुझे इस एरर के बारे में कोई मालूम नहीं था, मेरा जितना नॉलेज था उसके हिसाब से तो ये स्टेटमेंट क्या थे? ट्रू एंड फेयर थे। तो लास्ट ईयर मैंने गलत बैलेंस शीट पे साइन करके कोई मिस्टेक नहीं की, मुझे कोई जेल नहीं होगी क्योंकि भाई किसी को नहीं मालूम था ये एरर और इस एरर को ढूंढा भी नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली हो गया था, तो मुझे कोई शक करने का कोई भी यहां पे मौका या चांस नहीं मिला। तो लास्ट ईयर तो मैं बच गया, बट अगर इस साल में बैलेंस शीट पे साइन कर देता हूं एज इट इज, तो कहने से इस साल मेरे को पुलिस पकड़ लेगी और कहने से मुझे जेल में डाल देगी। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर गलत रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मैं 90 रुपए से मेरे क्रेडिटर कम दिखा रहा हूं। हाँ या ना? यस। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलते हो सर ठीक है, तो अब रेक्टिफाई नहीं कर नहीं करने वाला ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं, तो रेक्टिफाई तो हमें करना पड़ेगा। तो आप इसको रेक्टिफाई करते हो, तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे? कहने से वही दो स्टेप, अंडू व्हाट रॉन्ग इज बीन डन एंड डू व्हाट इज राइट। तो कहने से ये रॉन्ग एंट्री है, हमने परचेस के अकाउंट को 10 से डेबिट किया और राम के अकाउंट को 10 से क्रेडिट किया। यस और नो? यहां पर देखो, यहां पर आया ना, परचेस अकाउंट को 10 से डेबिट किया और राम के अकाउंट को 10 से क्रेडिट किया। कहने से इस एंट्री में हमने कुछ गलत नहीं किया। कहने से एक्चुअली हमें 100 से डेबिट करना चाहिए था और 100 से क्रेडिट करना चाहिए था, हमने तो कितने से किया? 10 से ही किया, तो कुछ गलत नहीं किया, इसको अंडू करने की जरूरत नहीं है। यस और नो? यस। अब डू व्हाट इज राइट। देखो, कहने से मुझे परचेस के अकाउंट को 100 से डेबिट करना चाहिए था और राम के अकाउंट को 100 से क्रेडिट करना चाहिए था। कहने से मैंने को दोनों को डेबिट और क्रेडिट तो किया, लेकिन सिर्फ कितने से? 10 से। तो कहने से 90 से और कर देंगे। यस और नो? यस। तो कहने से मेरी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? मेरी रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट
टू राम अकाउंट, कितना 90 90। यस सुनो, यस। तो कहने से आपके जो भी क्रेडिटर्स होंगे, अब अगर आपने राम के अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, राम के अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब राम के अकाउंट को आपने क्रेडिट किया तो कहने से एक राम मेरा क्या है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को क्रेडिट किया मतलब लाइबिलिटी हमने बढ़ा दी। तो कहने से जो क्रेडिटर 90 रुपीज से कम दिख रहे थे, अब वो 90 रुपीज से बढ़ जाएंगे, तो कहने से उसमें कोई मिस्टेक नहीं रहेगी। यस नो? तो कहने से राम तो मेरा बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो जाएगा, राम का अकाउंट किधर चला जाएगा, बैलेंस शीट में। तो कहने से वो ट्रू एंड फेयर वाली बात तो चली गई। यस और नो? यस। लेकिन एक इसकी वजह से, रेक्टिफिकेशन की एक वजह से एक प्रॉब्लम दूसरी ये आ रही है कि भाई देखो ये खर्चा, ये परचेस ऑफ रुपीज 90 कौन से ईयर का है, कहने से ये परचेस है लास्ट ईयर का, यानी 2018 का। आप इसको रिकॉर्ड कब कर रहे हो, आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो 2019 के अंदर। तो कहने से अगर परचेस अकाउंट को डेबिट करूंगा, परचेस मेरे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को डेबिट करेंगे तो कहने से एक्सपेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। LIC वाला रूल देखो, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने से मेरा एक्चुअल में 600 रुपए तो इस साल का एक्सपेंस हो गया, 600 रुपए क्या हो गया मेरा, इस साल का एक्सपेंस हो गया। और कहने से इस साल के PNL में 90 रुपए पिछले साल का भी आ गया। यस नो? और मेरा प्रॉफिट कितना आया, 510 आया। कितना प्रॉफिट आया, 510। कहने से अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैंने एक कॉन्सेप्ट वॉयलेट किया है, एंड दैट इज, याद आता है कुछ चैप्टर नंबर 1 में से ऐसा कुछ याद आता है, मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। क्या, मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता था कि एक साल की इनकम को उसी साल की इनकम के साथ आप, उसी साल के एक्सपेंस के साथ आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। यानी 2019 की इनकम को आप सिर्फ 2019 के एक्सपेंस के साथ कंपेयर करोगे। कहने से ये इनकम जो सेल्स है ये तो 2019 की है, लेकिन ये जो एक्सपेंस है इसमें 600 तो 19 का है, 2019 का एक्सपेंस है, और कहने से 90 रुपीज लास्ट ईयर का एक्सपेंस है। हाँ या ना? यस। तो कहने से इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट वॉयलेट हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट वॉयलेट हो रहा है। कहने से परचेस अकाउंट को डेबिट करूंगा तो परचेस अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, और कहने से परचेस कहां जाता है, PNL में जाता है, और कहने से इस साल के PNL में पिछले साल के एक्सपेंस और इनकम आएंगे, तो कहने से मेरा मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट वॉयलेट हो जाएगा। तो बोले सर क्या करें, मैं बोला देखो करना तो आपको यही पड़ेगा, प्रॉफिट तो आपको कितना दिखाना पड़ेगा, 510 रुपीज ही दिखाना पड़ेगा। आप अपने एरर को तो आपको रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा। अच्छा, किसी को दिमाग में ऐसा आ रहा है कि सर क्या है, लास्ट ईयर की PNL बन गया ना, तो उसको एक बार स्क्रैप करके वापस से नया PNL बना देते हैं ना, लास्ट ईयर का PNL वापस रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, लास्ट ईयर की परचेज जो 600 थी उसको 600 लेके रिकॉर्ड कर देते हैं। कितने लोग को ये दिमाग में आ रहा है कि सर लास्ट ईयर के अकाउंट्स चेंज कर दो ना, 2019 के अकाउंट्स आप क्यों इफेक्ट कर रहे हो। तो देखो वैसा हम नहीं कर सकते, एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं ना, उसके बाद उनको ओपन नहीं किया जा सकता, खास करके कंपनीज में। कंपनीज एक्ट के हिसाब से वंस द अकाउंट्स आर क्लोज्ड, उसके बाद आप अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशन में, वो भी कोर्ट के अप्रूवल के बाद ही चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी PNL एंड बैलेंस शीट को चेंज नहीं कर सकते। तो वो ऑप्शन तो है ही नहीं कि लास्ट ईयर का अकाउंट हम लोग इस साल ठीक कर देंगे, वो तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जैसे उन्होंने, तो कहने से ऑप्शन यही है कि 2019 में हमें एरर रेक्टिफाई करना है, और उसमें कहने से ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा जो मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट है वो क्या हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है। एक दूसरी इसमें मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट तो फिर भी ठीक है, एक दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है ना उसमें देखो क्या लगेगा कि लेट सपोज इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है, इस कंपनी में मुझे क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, तो मैं इस साल की कंपनी की परफॉर्मेंस देखूंगा, इस साल की कंपनी की क्या करूंगा, मैं परफॉर्मेंस देखूंगा कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट एंड लॉस किया, और फिर इन्वेस्ट करूंगा। तो मैंने देखा कि यार ये कंपनी ने 510 रुपए का प्रॉफिट कमाया, कितने का प्रॉफिट कमाया, 510 रुपए का। लेट सपोज इसकी जैसी एक दूसरी कंपनी है जो 550 का प्रॉफिट कमा रही है, कितने का प्रॉफिट कमा रही है, 550। तो मैं बोलता हूं नहीं यार ये कंपनी अच्छी नहीं है, ये कंपनी तो ये वाली अच्छी है। लेकिन एक्चुअल में अगर कोई मुझे बताए कि सर इस साल की सेल्स 1200 है और इस साल का खर्चा है ना, एक्चुअली इस साल का एक्सपेंस तो 600 ही है,
इस साल का एक्सपेंस तो कितना है 600 ही है, 90 रुपए तो सिर्फ हमने एक अकाउंटिंग एंट्री की है। क्या किया हमने, 90 रुपए तो सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री की है, उसकी वजह से यहां पे आ गया। वो इस साल का खर्चा नहीं, वो पिछले साल का है। तो अगर आपको इस साल की परफॉर्मेंस देखनी है कंपनी की, तो एक्चुअल में इस साल का प्रॉफिट कितना था, इस साल का प्रॉफिट 600 था। तो बाकी जो इसकी कॉम्पिटिटिव कंपनियां हैं उनसे ज्यादा यह कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट कर रही है। दिस कंपनी इज बेटर, इसमें आप इन्वेस्ट करो। तो कहने से दूसरा प्रॉब्लम रेक्टिफिकेशन में ये आ रहा है कि ये यूजर्स को क्या कर रहा है, मिसलीड कर रहा है। क्या कर रहा है, मिसलीड कर रहा है। तो अब इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने ये किया कि हम लोग लास्ट ईयर के ट्रांजैक्शन और करंट ईयर के ट्रांजैक्शन को मिक्स नहीं करेंगे। लास्ट ईयर के ट्रांजैक्शन और करंट ईयर के ट्रांजैक्शन को मिक्स नहीं करेंगे, जिसकी वजह से मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट क्या नहीं होगा, वॉयलेट नहीं होगा। कहने से मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इस साल का इनकम इस साल के एक्सपेंस के साथ कंपेयर करो। यस नो? तो कहने से अगर कोई इनकम एक्सपेंस में कुछ हो रहा है तो ही हमारा मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट वॉयलेट हो रहा है। कहने से ये रेक्टिफिकेशन एंट्री जो है इसमें राम का अकाउंट मेरा मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट वॉयलेट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि राम का अकाउंट तो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। असेट लाइबिलिटी और कैपिटल प्रॉफिट लॉस निकालने में काम थोड़ी ना आते हैं। Yes or no? तो कहने से असेट लाइबिलिटी और ये कैपिटल जो है मेरा, कहने से उससे मेरा मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट वॉयलेट नहीं होता। तो कहने से ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है इसमें इतना तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर राम के अकाउंट को मैं 90 से क्रेडिट कर रहा हूं तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम कब हो रहा है, जब मैं परचेस के अकाउंट को भी क्या कर रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं। क्योंकि परचेस के अकाउंट को डेबिट किया तो इस साल का परचेस कितने से बढ़ जा रहा है, 90 से बढ़ जा रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक स्पेशल अकाउंट बनाता हूं। क्या करता हूं, एक स्पेशल अकाउंट बनाता हूं और जितने भी इनकम और एक्सपेंस अकाउंट है ना, उनके इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट की जगह मैं ये अकाउंट यूज करता हूं, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या यूज करता हूं, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इससे होगा क्या, इससे दो पीएनएल बनेंगे आपके। कितने पीएनएल बनेंगे, दो। एक तो नॉर्मल पीएनएल बनेगा जो 2019 का होगा, एक तो नॉर्मल पीएनएल बनेगा जो 2019 का होगा। इसमें क्या दिखेगा, इसमें आपको दिखेगा कि भाई सेल्स कितना है, 1200 है, और इस साल का एक्सपेंस यानी इस साल की परचेस कितनी है, तो इस साल की परचेस 600 है। तो आपको मालूम पड़ेगा प्रॉफिट फॉर करंट ईयर, प्रॉफिट फॉर करंट ईयर कितना है, कहने से 600 है। और आपने कहने से यहां पे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया है। तो आपके पास एक पीएनएल अकाउंट, एक पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, एक दूसरा अकाउंट बनेगा जिसमें कहने से आपको 90 रुपीज क्या आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है टू राम। आया ना? यस। कहने से जैसे पीएनएल बनाते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल करो और डेबिट साइड का टोटल करो। कहने से इस साइड आएगा इसका बैलेंस, आया ना, एक ही ट्रांजैक्शन है पीएनएल एडजस्टमेंट में। तो इस साइड इसका बैलेंस आएगा और कहने से ये क्या होगा, ये नेट लॉस होगा। क्या होगा, नेट लॉस। कहने से डेबिट साइड में एक्सपेंस होते हैं और क्रेडिट साइड में क्या होता है, इनकम होता है। तो कहने से इनकम इसका 0, एक्सपेंस इसका 90, तो इसमें क्या आ गया, नेट लॉस। अभी इसी पीएनएल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे और यहां पर लिखेंगे लेस पीएनएल एडजस्टमेंट। ये जो पीएनएल एडजस्टमेंट का रुपीज 90 का प्रॉफिट है ना, इसको भी यहां से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और उसके बाद बोलेंगे नेट प्रॉफिट, उसके बाद क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कितना आया, नेट प्रॉफिट आया 510। अब कोई बोलेगा सर इस मेथड में और इस मेथड में क्या प्रॉब्लम आपको, कहने से यहां पर भी प्रॉफिट 590 आ रहा था और यहां पर भी प्रॉफिट 590 आ रहा था। तो इतना मगजमारी करने का जरूरत ही क्या है, जैसे हम लोग ओरिजिनली रेक्टिफाई कर रहे थे वैसे ही कर देते हैं। अब ये पीएनएल एडजस्टमेंट में डालने की क्या बात है। तो देखो यहां पे फर्क ये है कि जब मैं इसको रीड करता हूं ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो मुझे एक बात मालूम पड़ती है कि भाई इस साल का प्रॉफिट है ना कंपनी का 600 है। इस साल का प्रॉफिट कंपनी का कितना है, 600 है। पास्ट में कंपनी ने कोई मिस्टेक किया है, पास्ट में कंपनी ने क्या किया है, कोई मिस्टेक किया है, और उस मिस्टेक की वजह से इस साल का प्रॉफिट दिख कितना रहा है, 590। तो जो इन्वेस्ट करना चाहता है ना कंपनी के अंदर, उसको क्या है, उसको एक क्लियर विजन मिलता है, उसको क्लियर मिलता है कि भाई इस साल कंपनी का प्रॉफिट 600 है, मतलब अगले साल 650 जाएगा, ठीक है। और ये जो 510 का प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये एक्चुअली इससे कोई लेना देना नहीं है, ये लास्ट में, लास्ट टू लास्ट ईयर में या फिर लास्ट ईयर में कोई मिस्टेक हुआ है, उसकी वजह से ये आया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो यूजर होता है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहा है, वो मिसलीड नहीं होता है। क्या नहीं होता है, वो मिसलीड नहीं होता है। उसे मालूम पड़ता है कि अच्छा ये प्रॉफिट जो है ये लास्ट ईयर की वजह से कितना इफेक्ट हो रहा है और करंट ईयर की वजह से कितना इफेक्ट हो रहा है।
इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग नेक्स्ट ईयर यानी सब्सिक्वेंट पीरियड में जब भी हमारा रेक्टिफिकेशन करेंगे ना, तो जो स्टेप्स अभी तक फॉलो करते आ रहे थे वही करेंगे। बट उसमें जब भी हम रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे तो उसमें यह देखेंगे कि कहीं कोई इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट आ रहा है क्या, कहने से राम का अकाउंट इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट नहीं है, या तो वो मेरा क्या है लाइबिलिटी है या फिर मेरा असेट है, यानी या तो डेटर है या फिर क्रेडिटर है, कहने से वो इनकम एक्सपेंस नहीं है। तो इस एंट्री को मैं एज इट इज रखूंगा टू राम अकाउंट, लेकिन कहने से परचेस मेरा क्या है, परचेस मेरा एक्सपेंस है, परचेस मेरे लिए क्या है एक्सपेंस, तो इसके लिए मैं परचेस अकाउंट नहीं यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया? एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। लेट सपोज मशीन परचेस ऑफ रुपीज 10,000 वॉज रिकॉर्डेड एज गुड्स परचेस, यानी हम लोग ने उसको कैसे रिकॉर्ड कर लिया, गुड्स का परचेस मान लिया। तो कहने से राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइड एंट्री। अब देखो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए, कहने से मशीन परचेस किया है तो मशीन एक असेट है, असेट बढ़े तो उसे क्या कर देना चाहिए था, हमें डेबिट कर देना चाहिए था, और कहने से कैश भी एक असेट है और कैश कम हो रहा है तो उसे क्या कर देना चाहिए था, उसे हमें क्रेडिट कर देना चाहिए था, यस और नो? तो कहने से हमारी एंट्री आनी चाहिए थी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या एंट्री आनी चाहिए थी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी, उसको हमने नॉर्मल परचेस मान लिया और हमने उसकी रॉन्ग एंट्री कर दी है परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस हमने उसको खर्चा मान लिया है और खर्चा बढ़े तो उसे क्या करेंगे डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करेंगे उसे डेबिट कर देंगे। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश क्या है मेरे लिए असेट, और असेट कम हो रहा है तो उसे क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। तो एक्चुअल में मैंने एंट्री पास कर दी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया? यस। अब इसके बाद देखो एक्चुअल में रेक्टिफाइड एंट्री क्या होनी चाहिए, तो कहने से रेक्टिफाइड एंट्री में अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन, तो कहने से कैश को क्रेडिट करके मैंने कोई गलती नहीं की है, यस और नो? कैश को क्रेडिट करना था, किया भी क्या है क्रेडिट किया है। परचेस अकाउंट को मैंने डेबिट करके कहने से गलती की है, मुझे परचेस अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, तो मैं यहां पर क्या करूंगा परचेस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट कर दूंगा, उसको अंडू कर दूंगा, यस और नो? यस। अब नेक्स्ट मशीन के अकाउंट को मुझे क्या करना चाहिए था, मशीन के अकाउंट को मुझे डेबिट करना चाहिए था, क्या मैंने मशीन के अकाउंट को डेबिट किया है, मैंने मशीन के अकाउंट को डेबिट नहीं किया, तो मैं मशीन के अकाउंट को क्या कर दूंगा क्रेडिट कर डेबिट कर दूंगा। तो कहने से मेरी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन गई, मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। लेकिन मैं कहने से ये एरर्स अगर करंट ईयर में यानी बिफोर हो या आफ्टर हो अगर रेक्टिफाई कर रहा होता तो ये एंट्री सही है, लेकिन अगर मैं इसको सब्सिक्वेंट ईयर यानी नेक्स्ट ईयर में इसको क्या कर रहा हूं रेक्टिफाई कर रहा हूं तो इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कहने से मेरा कौन सा मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट वॉलेट ना हो जाए। इसके लिए कहने से मशीन तो असेट है, मशीन मेरा एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट नहीं है तो उसको तो एज इट इज रखूंगा, लेकिन कहने से परचेस मेरे लिए क्या है, परचेस मेरे लिए एक एक्सपेंस का अकाउंट है, इसके लिए मैं परचेस अकाउंट नहीं यूज करूंगा, उसकी जगह यूज करूंगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मेरी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन गई, मेरी रेक्टिफाइड एंट्री बन गई मशीन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, क्या एंट्री बन गई मशीन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो कहने से सिर्फ एक ही फर्क है यहां पे कि भाई जहां पे भी हमारी रेक्टिफाइड एंट्री में इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट आता है उसको कट करके हम लोग क्या लिख देंगे उसकी जगह हम लोग पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देंगे, रेस्ट ऑफ द स्टेप्स विल रिमेन सेम। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है? देखो इसको मैं डायरेक्टली छोटा सा ऐसा भी बता सकता था कि भाई जहां इनकम एक्सपेंस का अकाउंट हो वहां पर क्या लिख देने का पीएनएल एडजस्टमेंट लिख देने का, ठीक है, आपका आंसर 100% राइट होता, लेकिन आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों किया। यहां पे ऐसा इसलिए किया कि मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट वॉलेट ना हो जाए, पहला चीज, और दूसरा चीज कोई यूजर मिसलीड ना हो जाए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर के कुछ आइटम्स की वजह से अगर इस साल प्रॉफिट में इफेक्ट आ रहा है तो उनको सेपरेट अकाउंट में रखो यानी पीएनएल एडजस्टमेंट में रखो, और इस साल के जो आइटम्स है उनकी वजह से जो प्रॉफिट लॉस में इफेक्ट आ रहा है उसको नॉर्मल पीएनएल अकाउंट में रखो। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का 100%? चले आगे। ओके, तो आप देखो यहां पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन।
ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये बताया था, ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, ये एक्चुअली ये हेडिंग के नीचे आना चाहिए, रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, यानी इस साल की बैलेंस शीट के बाद, यानी इस साल की बैलेंस शीट बन गई मतलब अगला साल आ गया, यानी नेक्स्ट ईयर, ये सुनो, जिसको यानी आप सब्सिक्वेंट ईयर भी बोल सकते हो। समझ में आता है कि नहीं आता है? यस। अब देखो यहां पे कुछ ट्रांजेक्शन सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो देखो सबसे पहले ये वाला ही ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, रेदर पहले ये वाला लेते हैं, इलेवेंथ वाला ले लो। देखो इलेवेंथ वाला ट्रांजेक्शन देखो, ये ट्रांजेक्शन आपका आरटीपी मई 20, यानी जो लास्ट अटेम्प्ट की आरटीपी है, ये अटेम्प्ट की आरटीपी है, जो अभी एग्जाम आएगा, मई 20 का एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया है, तो जो एग्जाम अभी आएगा उसकी आरटीपी है, और ये क्वेश्चन नवंबर 18 के पेपर में 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था? नवंबर 18 में 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अब देखो इसमें लिखा क्या है, द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ अ कंसर्न, ये कंसर्न का मतलब क्या था, कोई बिजनेस, ठीक है, आफ्टर इट्स बुक्स आर क्लोज्ड। देखो क्वेश्चन में दे दिया है, बुक्स क्लोज हो गया मतलब बैलेंस शीट बन गया है, यानी नेक्स्ट ईयर के बाद हमें ये एरर्स मिले हैं, एंड ए सस्पेंस अकाउंट वॉज ओपन्ड इन ऑर्डर टू गेट द ट्रायल बैलेंस। लास्ट ईयर हम लोग को क्या हुआ था कि लास्ट ईयर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ था, टैली नहीं हुआ तो उसका बैलेंस हम लोग ने किस में डाल दिया होगा, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, फिर हम लोग ने एरर्स ढूंढे लेकिन हमें एरर्स मिले नहीं, तो कहने से हमें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा बैलेंस शीट और पीएनएल है वो तो हमें एक पर्टिकुलर डेट से पहले देना पड़ता है, ठीक है, तो अगर एरर्स नहीं मिले तो हम लोग को उन एरर्स को बुक्स में रहने देते हैं, और हम क्या करते हैं कि हम लोग हमारा फाइनल अकाउंट विद सस्पेंस अकाउंट बना देते हैं। तो हमने हमारा फाइनल अकाउंट बनाया और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में हमें अब ये एरर मिल रहे हैं, तो इन्हें हमें कैसे रेक्टिफाई करना है। तो देखो हमारे पास क्या क्या पूछा है हमें यहाँ पे, तो पहले तो पूछा है फाइंड आउट द नेचर एंड अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट, यानी सस्पेंस अकाउंट का कितना अमाउंट होगा, यानी लास्ट ईयर कहने से हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हुआ था क्या? नहीं टैली हुआ था, तो हमने क्या किया था, सस्पेंस अकाउंट में अमाउंट डाल दी थी। अब वो ये पूछ रहे हैं कि वहां पे लास्ट ईयर में सस्पेंस अकाउंट में आपने कितनी अमाउंट डाली थी, और वो अमाउंट डेबिट थी कि क्रेडिट थी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, पास एंट्रीज इंक्लूडिंग नरेशन, यानी एंट्रीज जिसमें नरेशन भी आपको लिखना है, फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ अबव एरर्स इन सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक, यानी नेक्स्ट ईयर यानी आने वाले अगले साल में इन एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, एंट्री पास करनी है। तो कुछ नहीं, हमारा सेम फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, मैं ये रब कर देता हूं सब, चलो क्वेश्चन नंबर 11, बुक्स ऑफ डैश जो भी बिजनेस है उसका नाम, एंड देन जर्नल डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, बराबर है। अब ट्रांजेक्शन्स को वन बाय वन हम लोग देखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब सबसे पहला ट्रांजेक्शन देखो क्या लिखा है, यहां पे लिखा है सेल्स डे बुक वाज ओवरकास्टेड बाय ₹1000, यानी हमने सेल्स बुक को क्या दिखाया था लास्ट ईयर, ₹100,000 से ज्यादा दिखाया था, तो कहने से सेल्स बुक ज्यादा दिखाई थी, तो अब क्या करेंगे उसको, सेल्स बुक को हम लोग कम दिखाएंगे, सेल्स बुक का टोटल हम लोग ने ₹100 से ज्यादा दिखाया, तो कहने से सेल्स बुक का टोटल किस में जाता है, सेल्स अकाउंट में जाता है, तो कहने से सेल्स बुक ज्यादा दिख रही है मतलब सेल्स अकाउंट भी ज्यादा दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे सेल्स अकाउंट को कम कर देंगे। अब सेल्स मेरे लिए क्या है, सेल्स मेरे लिए इनकम है, और इनकम को कम करना हो तो उसे क्या करेंगे हम लोग, उसे डेबिट कर देंगे, तो कहने से एंट्री आएगी यहां पर सेल्स अकाउंट डेबिट टू, कहने से एंट्री कंप्लीट नहीं होगी तो क्या यूज कर लेंगे, कहने से इस केस में मेरी एंट्री कंप्लीट नहीं हो रही है तो मैं क्या यूज कर लूंगा यहां पे, सस्पेंस अकाउंट यूज कर लूंगा, क्या यूज कर लूंगा, सस्पेंस अकाउंट यूज कर लूंगा, तो मेरी रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो गई, कहने से मेरी एंट्री हो गई सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट ₹1000, कितना ₹1000, यस और नो, यस।
लेकिन अब कैन आई से ये एरर्स तो मैं नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई कर रहा हूं ना, ये सुनो, और कैन आई से सेल्स तो मेरा इनकम का अकाउंट है, और कैन आई से अगर मैंने सेल अकाउंट में डाल दिया तो ये इस साल की इनकम में मिक्स हो जाएगा, और इस साल की इनकम में मिक्स होकर ये क्या कर देगा, मेरा मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट को वायलेट कर देगा। तो कैन आई से इसको मैं सेल्स अकाउंट में नहीं डाल सकता, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेल्स अकाउंट की जगह यहां पर क्या लिखूंगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखूंगा यहां पे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मेरी जो रेक्टिफाइड एंट्री है वो मेरी क्या हो जाएगी, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। पहले आप नॉर्मल एंट्री पास कर लो, उसके बाद ये देखो कि इसमें कोई इनकम एक्सपेंस का अकाउंट है क्या, अगर है तो उसकी जगह क्या कर दोगे, उसकी जगह वो अकाउंट यूज कर लोगे, कौन सा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आता है कि नहीं आता है सबको, किसी को डाउट है? ओके, अब ट्रांजेक्शन नंबर टू देखो क्या लिखा है, ए सेल ऑफ रुपीज 1000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ वाई। ठीक है, सेल ऑफ रुपीज 5000 टू एक्स, हमने सेल किसको किया है, मिस्टर एक्स को सेल किया है, किसको सेल किया है, एक्स को सेल किया है, लेकिन उसको हमने डेबिट कर किसके कॉलम में कर दिया है, वाई के अकाउंट में कर दिया है। तो कहने से राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री कर लेते हैं, कह रहे हैं सेल्स टू एक्स, तो कहने से एक्स को सेल किया तो एंट्री क्या आनी चाहिए, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये सुनो कितना अमाउंट है, ये अमाउंट है रुपीस 5000। कहने से हमने गलती से एंट्री क्या कर दी, कहने से हम लोग ने उसको रिकॉर्ड कर दिया किसके अकाउंट में, हमने उसको पोस्ट कर दिया है वाई के अकाउंट में। ये सुनो एक बार देखो क्या लिखा है, वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू वाई अकाउंट। तो कहने से वाई के अकाउंट में हम लोग ने गलती से क्या कर दिया, उसे डेबिट कर दिया, कितने से, 10,000 से। यस और नो, यस। तो कहने से क्रेडिट तो हमने बराबर ही किया टू सेल्स अकाउंट 10,000। अब कहने से इसकी रेक्टिफाइड एंट्री पास कर लो, कहने से अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन, अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन। तो कहने से गलत क्या हुआ है, तो कहने से गलत ये हुआ है कि हमने सेल अकाउंट को क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। करना था क्या, यस, सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और सेल अकाउंट को क्रेडिट करना था, तो कहने से कुछ भी नहीं करेंगे। यस और नो, नेक्स्ट। उसके बाद Y के अकाउंट को हमने क्या किया है, कहने से Y के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है, Y के अकाउंट को डेबिट करना था, द आंसर इज नो, हमें Y के अकाउंट को डेबिट नहीं करना था, तो हम क्या करेंगे, Y के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 10,000 रुपीज। यस और नो, यस। अब डू व्हाट इज राइट, कहने से सेल्स के अकाउंट को मुझे क्या करना था, क्रेडिट करना था, और किया भी क्या है मैंने, क्रेडिट, तो कहने से कुछ नहीं करूंगा। अब X के अकाउंट को मुझे क्या करना था, X के अकाउंट को मुझे क्या करना था, डेबिट करना था, और क्या मैंने X के अकाउंट को डेबिट किया है, नहीं किया है, तो क्या कर दूंगा, अब X के अकाउंट को मुझे मैं डेबिट कर दूंगा, तो कहने से मेरी एंट्री आ जाएगी X अकाउंट डेबिट टू Y अकाउंट। अब देखो X का अकाउंट और Y का अकाउंट, कहने से या तो वो मेरे डेटर हैं या फिर मेरे क्रेडिटर हैं, और कहने से मैं सेल कर रहा हूं उनको, क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, तो एक्स को सेल किया, तो कहने से एक्स मुझे पैसा कब देगा, फ्यूचर में पैसा देगा, एक्स कब देगा पैसा मुझे, फ्यूचर में देगा, इसलिए एक्स मेरे लिए क्या हो गया, असेट अकाउंट हो गया, और कहने से वाई भी क्या होगा, मेरे लिए असेट अकाउंट होगा, तो कहने से इन दोनों में ही मेरा इनकम और एक्सपेंस अकाउंट नहीं है, तो ये एंट्री इवन दो मैं नेक्स्ट ईयर रेक्टिफाई करूंगा तो भी ये एंट्री क्या आएगी, सेम आएगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट क्रेडिट 5000। चाहे इसको मैं नेक्स्ट ईयर रेक्टिफाई करूं, चाहे इसको मैं बिफोर ट्रायल बैलेंस करूं, या चाहे इस एंट्री को मैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस करूं, इसका आंसर चेंज नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि बिफोर और आफ्टर में फर्क क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट का, तो कहने से एंट्री में सस्पेंस की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। यस और नो, और कहने से आफ्टर ट्रायल, आफ्टर बैलेंस शीट यानी सब्सिक्वेंट ईयर और लास्ट ईयर में फर्क क्या होता है, कहने से पीएनएल एडजस्टमेंट का, जो कि इनकम एक्सपेंस की जगह यूज होता है, कहने से इसमें तो इनकम एक्सपेंस का अकाउंट भी नहीं है। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है। नेक्स्ट थर्ड देखो, इनका नरेशन लिखना आप सबको, मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पे, लेकिन आपको नरेशन आंसर में, फाइनल आंसर में लिखना रहेगा। जनरल एक्सपेंस ऑफ रुपीज 180 वॉज पोस्टेड इन ए जर्नल लेजर एज 810। तो अभी अपन क्या करते हैं, अभी इसकी हम लोग राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री देख लेते हैं। तो देखो यहां पे आ जाओ, सबसे पहले कहने से जर्नल एक्सपेंस हुआ है कितने रुपीज का, कहने से जर्नल एक्सपेंस हुआ है वो हमारा 180 रुपीज का, लेकिन हमने उसको जर्नल एक्सपेंस की लेजर में कितना पोस्ट कर दिया, उसको हमने 810 पोस्ट कर दिया। तो देखो एक्चुअल में रॉन्ग एंड राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री क्या होनी चाहिए थी, तो कहने से राइट एंट्री यहां पे ये होनी चाहिए थी, राइट एंट्री हमारी ये होनी चाहिए थी कि
कि जनरल एक्सपेंस अकाउंट, जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारे लिए क्या है, खर्चा, और खर्चा बढ़े तो उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट, कितने से 182, कैश, कहने से हमने कैश पे किया होगा तो कैश हमारे लिए क्या है, कैश असेट है, और असेट पे किया तो क्या हो गया, कम हो गया, और कम हो तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ये सुनो। तो ये हमारी राइट एंट्री होनी चाहिए थी, गलती से हमने एंट्री क्या कर दी, हमने जनरल एक्सपेंस के अकाउंट में डेबिट ही किया लेकिन उसके अकाउंट में हम लोग ने 810 रुपीज लिख दिया इंस्टेड ऑफ 180। ये सुनो, कैश के अकाउंट में हमने कोई मिस्टेक नहीं किया है, देखो वहां पे कैश के अकाउंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, यानी कैश का अकाउंट परफेक्टली बराबर है। अब इसको रेक्टिफाई करते हैं, तो कैश के अकाउंट को देखो क्या करना था, मुझे क्रेडिट करना था, और मैंने किया भी क्या है, यहां पे क्रेडिट किया है, तो कहने से कैश के अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरल एक्सपेंस के अकाउंट को देखो मैंने क्या किया, जनरल एक्सपेंस के अकाउंट को मैंने डेबिट किया, जनरल एक्सपेंस के अकाउंट को मुझे क्या करना था, डेबिट करना था, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन कहने से कि मुझे यहां पे उसको 180 से डेबिट करना था और मैंने उसको डेबिट कितने से किया, 810 से, तो कहने से मैंने उसे ज्यादा डेबिट कर दिया, यस नो, तो क्या करूंगा, उसको उल्टा कर दूंगा, अंडू कर दूंगा, कहने से मैंने मिस्टेक किया तो उसे क्या करूंगा, अंडू कर दूंगा। तो कहने से मुझे इसे डेबिट कितने से करना था, तो इसे मुझे डेबिट करना था 180 से, और मैंने इसे डेबिट कितने से किया, 810 से, तो कहने से मैंने इसे डेबिट कर दिया, कितने से, 630 से ज्यादा डेबिट कर दिया, तो कहने से 630 से वापस इसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो मेरी रेक्टिफाइड एंट्री होगी टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट 630, यस और नो, यस। अब डू व्हाट इज राइट, तो कहने से कैश को क्रेडिट करना था और कैश को क्रेडिट किया है, जनरल एक्सपेंस को 180 से डेबिट करना था और कहने से मैंने 180 से डेबिट किया है, मैंने तो 810 से डेबिट किया, लेकिन 810 में से 630 निकाल देंगे तो कहने से अभी भी यहां पे 180 तो बचा है ना, तो कहने से 180 से मैंने ऑलरेडी डेबिट कर दिया, और कहने से एंट्री नहीं बन रही है, कहने से नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, तो कहने से जिस साल का ये एरर है उस ईयर का तो ट्रायल बैलेंस बन गया, दैट मींस मेरे पास सस्पेंस अकाउंट है और मैं सस्पेंस अकाउंट को यूज कर सकता हूं। तो कहने से एंट्री क्या आ जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 630, क्या एंट्री आ जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 630। तो कहने से यहां पे मेरी एंट्री बनी ही सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट, कहने से जनरल एक्सपेंस मेरा एक एक्सपेंस का अकाउंट है, और कहने से मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट वॉलेट कर देगा, इसके लिए इसकी जगह कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन जाएगी, हमारी रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, क्या एंट्री बन जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना, 630। कितने लोगों को समझ में आया, नेक्स्ट अगला देखो, अभी अगला क्या है, अगले में लिखा है ए बिल्स रिसीवेबल ऑफ रुपीज 1550 यानी 1550 वॉज पास थ्रू बिल्स पेएबल बुक, हमने उसको एक्चुअली बिल्स रिसीवेबल को किस में लिख दिया, बिल्स पेएबल बुक में लिख दिया, द बिल वॉज गिवन बाय पी, हमें ये बिल किससे मिला है, ये बिल हमें किससे मिला है, पी से मिला है। अब देखो बिल्स रिसीवेबल आपके लिए एसेट होता है और बिल्स पेएबल आपके लिए लाइबिलिटी होता है, तो आपने क्या कर दिया, एक्चुअली बिल्स पेएबल आपको, बिल्स रिसीवेबल आपको मिला, तो उसकी राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बिल्स रिसीवेबल आपको मिला, बिल्स रिसीवेबल एक असेट है, असेट मिले तो उसे क्या करेंगे, उसे डेबिट कर देंगे, उसे क्या करेंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे, कितने से, 1550 से, ये सुनो, और किससे मिला, तो कहने से ये पी से मिला। अच्छा पी ने हमें बिल्स क्यों दिया होगा, कहने से उसने पी ने हमें बिल इसलिए दिया होगा क्योंकि हम पी से पैसे मांगते होंगे, तो पी हमारे लिए क्या हो गया, कहने से पी हमारे लिए असेट हो गया, और कहने से आज उसने हमें बिल दे दिया तो कहने से आज के बाद हम उससे पैसे नहीं मांग पाएंगे, आज से हम लोग बिल से पैसे मांगेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कहां पे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, लेकिन फिलहाल के लिए समझते हैं कि कहने से पी हमारे लिए असेट है, उसने हमें बिल दिया तो आज के बाद पी हमें पैसे नहीं देगा, असेट कम हो गया तो उसे क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे टू बिल्स पेबल, सॉरी टू पीज अकाउंट 1550। अब रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, कहने से इसको मैंने बिल्स पे रिसीवेबल बुक की जगह बिल्स पेबल बुक में लिख दिया, यानी इसको मैंने क्या मान लिया, बिल्स पेबल मान लिया, और कहने से बिल्स पेबल मेरे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी, और जब मुझे बिल्स पेबल मिला तो कहने से बिल्स पेबल मेरे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ी तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे,
और कैन आई से मैंने किसी का बिल क्यों लिया होगा, क्योंकि मैंने कोई मुझसे क्या करता होगा, पैसे मांगता होगा। तो पी मुझसे पैसे मांगता होगा, कहने से अब मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, आज के बाद पी मुझसे पैसे नहीं मांगेगा क्योंकि मैंने उसे क्या दे दिया, बिल्स पेबल दे दिया। इसके लिए मेरा यहां पे एंट्री क्या आ जाएगा, पी मेरी लाइबिलिटी है कम हुई तो उसे डेबिट कर दूंगा। अगर किसी को ये एंट्रीज नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, ये हमारा वापस से जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर आएगा ना तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए हमको इसकी रेक्टिफिकेशन देखना है। तो देखो यहां पे इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे, तो इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो डू अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन। तो देखो पी के अकाउंट को आपने क्या किया है, पी के अकाउंट को आपने डेबिट किया है, करना था नहीं करना है, तो कहने से पी के अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री आ जाएगी टू पी अकाउंट कितना 1550। यस और नो, बिल्स पेबल के अकाउंट को क्या किया हम लोग ने, क्रेडिट किया है। करना था क्या बिल्स पेबल के अकाउंट को, क्रेडिट नहीं करना था, तो क्या करेंगे बिल्स पेबल के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितना 1550। यस और नो, यस। अब नेक्स्ट बिल रिसीवेबल के अकाउंट को क्या किया हम लोग ने, डेबिट किया है। बिल्स रिसीव सॉरी डेबिट करना था, बिल्स रिसीवेबल के अकाउंट को हमने डेबिट किया है क्या, नहीं किया, तो कहने से डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, पेबल और रिसीवेबल दोनों अलग अलग अकाउंट है इसलिए दो बार अलग अलग एंट्री पास करेंगे। अब पी के अकाउंट को देखो क्या करना था, क्रेडिट करना था, किया है पी के अकाउंट को क्रेडिट, नहीं किया, तो कहने से पी के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और कहने से एक बार पहले ऑलरेडी क्रेडिट कर रखा है, एक बार और करना होगा तो कितना आ जाएगा 3100 आ जाएगा, अमाउंट डबल हो जाएगी। तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हुई, बी आर बिल्स पेबल टू पी। अब BR और बिल्स पेबल मेरे लिए असेट लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल मेरे लिए लाइबिलिटी है और बिल्स रिसीवेबल मेरे लिए असेट है, ये मेरे लिए लाइबिलिटी, ये मेरे लिए असेट। और P भी मेरे लिए क्या है, कहने से P मेरे लिए एक असेट था। यस और नो, तो कहने से इस पूरी एंट्री में कहीं पे भी इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट नहीं आया, तो कहने से जो एंट्री है वही मेरी क्या है, रेक्टिफिकेशन एंट्री है, इसमें मुझे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करने की जरूरत नहीं है। तो अब एज इट इज इसको मैं क्या लिख दूंगा, मेरे फाइनल आंसर में लिख दूंगा। तो यहां पे आ जाएगा पीएनएल अकाउंट, सॉरी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट, टू पी अकाउंट अमाउंट लिख देंगे 1550 1550, और टोटल अमाउंट आ गया हमारा कितना 3100। कितना अमाउंट आ गया, 3100 रुपीस आ गया। कितने लोग को मालूम पड़ा। नेक्स्ट अगला देखो, लीगल एक्सपेंस ऑफ रुपीस 1190 पेड टू मिस नीतू वॉज डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट। कहने से ये पर्सनल अकाउंट वाला हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है। अब देखो रॉन्ग एंट्री राइट एंट्री, कहने से लीगल एक्सपेंस, एक्सपेंस मेरे लिए खर्चा है, बड़े तो क्या करेंगे उसे डेबिट करेंगे, तो राइट एंट्री में हमें लीगल एक्सपेंस को 1190 से क्या कर देना चाहिए था, डेबिट कर देना चाहिए था। और क्योंकि हमने अमाउंट पे की है तो कहने से हमारा कैश क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, और कैश कम हुआ होगा तो हमने क्या कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। कैश हमारा एसेट, एसेट कम हो तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब रॉन्ग एंट्री देखो, रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, तो कहने से रॉन्ग एंट्री ये हुई है कि हमने गलती से ये मान लिया कि ये पैसा हमने किसको दिया है, ये पैसा हम लोग ने नीतू को दिया है, तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि आज हमने नीतू को पैसा दिया तो नीतू हमें पैसा देगी वापस, कब, फ्यूचर में। तो नीतू को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, अपना असेट मान ले रहे हैं, और नीतू के असेट है इसलिए असेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। तो हमने एंट्री पास कर दी है गलती से इसका, नीतू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना 1190 2 कैश अकाउंट 1190। अब कहने से कुछ नहीं करना आपको, आपको इसको रेक्टिफाई करो, वही दो स्टेप लगाओ, अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन। तो कहने से कैश को हमें क्रेडिट करना था और हमने किया भी क्या है, क्रेडिट, तो कहने से इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट नीतू के अकाउंट को, ये नीतू एक्सपेंस नहीं, सिर्फ नीतू अकाउंट आएगा यहां पर, बराबर है। नीतू के अकाउंट को मुझे क्या करना था, नीतू सॉरी मैंने नीतू के अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया है, करना था नहीं करना है, तो कहने से अंडू कर देंगे, तो कहने से उसे क्या कर देंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे, टू नीतू अकाउंट 1190। समझ में आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट उसके बाद देखो, लीगल एक्सपेंस के अकाउंट को क्या करना था, डेबिट करना था, किया है नहीं किया, तो कर देंगे लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना 1190।
कितना 1190, बट क्योंकि ये एरर्स मैं नेक्स्ट ईयर रेक्टिफाई कर रहा हूं, कहने से लीगल एक्सपेंस मेरा कौन सा अकाउंट है, ये मेरा एक्सपेंस का अकाउंट है, और नीतू कहने से मेरा असेट का अकाउंट है, असेट या लाइबिलिटी आप कुछ भी मान लो, ठीक है। तो कहने से इस केस के अंदर कहने से जो एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट होते हैं उसको मैं किससे रिप्लेस कर देता हूं, पीएनएल एडजस्टमेंट से रिप्लेस कर देता हूं। तो कहने से इसकी जगह मेरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट आ जाएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मेरी राइट एंट्री क्या हो गई, मेरी राइट एंट्री हो गई पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू नीतू अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू नीतू अकाउंट। तो देखो यहां पे मेरा फाइनल आंसर क्या आया, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू नीतू अकाउंट, क्या एंट्री आ गई, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू नीतू अकाउंट, कितना, तो ये आ गया मेरा 1190, समझ में आता है कि नहीं आता है। सिर्फ वही करना है जहां पे इनकम एक्सपेंस का अकाउंट है उसको पीएनएल एडजस्टमेंट से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और ऐसा क्यों करेंगे, ताकि मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट वॉलेट ना हो। नेक्स्ट, अगला ट्रांजेक्शन देखो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम वॉज डेबिटेड टू श्याम अकाउंट, हमें कैश किससे मिला है, कैश मिला है हमें राम से, उसको हमने क्या कर दिया है, किसके अकाउंट में डेबिट कर दिया, उसे हमने श्याम के अकाउंट में डेबिट कर दिया, यस और नो। तो देखो यहां पे राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री, ये मेरी राइट एंट्री, ये मेरी रॉन्ग एंट्री। अब राइट एंट्री क्या होगी, तो कहने से राइट एंट्री मेरी होगी, कहने से मैंने पेमेंट किससे रिसीव किया है, मैंने कहने से राम से पेमेंट रिसीव किया है, एक बार चेक कर लेते हैं, कहने से पेमेंट किससे हुआ है, राम से, डेबिट किधर हुआ है, श्याम के अकाउंट में। तो देखो कहने से कैश आया, कैश मेरे लिए असेट है, असेट बढ़े तो क्या कर देंगे, उसे डेबिट कर देंगे, तो कहने से एंट्री आनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट 1500, और कहने से किससे मिला, राम से, राम से पैसा क्यों मिला, क्योंकि राम से हम पैसा मांगते होंगे, ये सुनो, राम हमारे लिए क्या है, राम हमारे लिए असेट है, और असेट ने हमें पैसे दे दिए, कहने से वापस फ्यूचर में ये पैसे नहीं देगा, तो राम मेरे लिए असेट है, अब फ्यूचर में वो पैसे नहीं देगा, इसलिए असेट कम हो गया, और असेट कम हो तो उसे क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं, कहने से ये एंट्री होनी चाहिए थी। अब हमने एंट्री क्या कर दी है, हमने इसको पोस्ट कर दिया है डेबिट ऑफ श्याम के अकाउंट में, श्याम के अकाउंट में डेबिट कर दिया है, तो कहने से कैश में कोई मिस्टेक नहीं किया हमने, कैश को तो डेबिट करना था और कैश को हमने क्या किया है, डेबिट ही किया है, हमने गलती से श्याम के अकाउंट को भी क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है, ये हमारा मिस्टेक हुआ। अब अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन, क्या करेंगे, अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन, कहने से कैश के अकाउंट को क्या किया है मैंने, डेबिट किया है, करना भी क्या था, डेबिट, तो कहने से कोई मिस्टेक नहीं है, इसको अंडू नहीं करेंगे। नेक्स्ट, श्याम के अकाउंट को मैंने क्या किया है, कहने से श्याम के अकाउंट को मैंने डेबिट किया है, करना था क्या, नहीं करना था, तो कहने से श्याम के अकाउंट को अंडू कर दूंगा, यानी श्याम के अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा, कितने से, 1500 रुपीज, यस और नो, यस। नेक्स्ट, उसके बाद डू व्हाट इज राइट, डू व्हाट इज राइट में कहने से राम के अकाउंट को मुझे क्या करना है, क्रेडिट करना है, और क्या मैंने राम के अकाउंट को क्रेडिट किया है, द आंसर इज नो, मैंने नहीं किया है, तो क्या करूंगा, राम के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, तो कहने से एंट्री आ जाएगी टू राम अकाउंट 1500, यस और नो। कहना इसे रेक्टिफिकेशन तो हो गया लेकिन एंट्री पॉसिबल नहीं हो पा रही है, क्योंकि क्रेडिट का टोटल 3000 आ रहा है और डेबिट में कुछ भी नहीं है, और कहने से जब ऐसा होगा तो हम कौन सा अकाउंट यूज कर लेंगे, हम सस्पेंस अकाउंट यूज कर लेंगे, यस और नो, यस। कहने से सस्पेंस तो सस्पेंस है, हमें खुद को नहीं मालूम वो असेट है, इनकम है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है कि एक्सपेंस है, कहने से वो तो सस्पेंस है। अब श्याम और राम, कहने से ये दोनों या तो असेट हैं या फिर लाइबिलिटी हैं, यानी जब भी नेम अकाउंट है मतलब वो क्या है, या तो वो मेरा डेटर है या फिर क्रेडिटर है, कहने से कोई भी इस एंट्री के अंदर कोई भी अकाउंट मेरा कौन सा नहीं है, कोई भी अकाउंट मेरा इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट नहीं है, इसलिए पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट इसमें यूज नहीं होगा, और यही एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, सिक्स्थ एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी। तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट टू श्याम अकाउंट, ये सुनो कितना अमाउंट है, कहने से यहां पे अमाउंट है 1500 और टोटल अमाउंट यहां पे कितना आ जाएगा 3000, समझ में आता है कि नहीं आता है, यस। नेक्स्ट देखो अगला, व्हाइल कैरी फॉरवर्डिंग द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ परचेस बुक टू द नेक्स्ट अमाउंटिंग टू रुपीज 1325 वॉज रिटर्न एज 1325, ठीक है, 1235 को क्या लिख दिया हम लोग ने 1325। अब देखो पहले एरर समझो, एरर क्या हुआ है, यहां पे आ जाओ,
तो देखो हम लोग ऐसा परचेस बुक बनाते हैं, तो लेट सपोज ये परचेस बुक बनाए हम लोग ने, यहाँ पे लिखा ए बी सी डी, ठीक है, ऐसा 500 इसका, 250 इसका, 250 इसका और 235 इसका, तो इसका टोटल आएगा हमारा 1235, यस और नो? ये हमारा पेज वन, हम लोग का लेट सपोज बुक का पेज नंबर वन खत्म हो गया, तो अब हम लोग लिखना कहां चालू करते हैं, पेज नंबर टू पे। अब पेज नंबर टू पे जब हम लोग लिख रहे थे तो ये बैलेंस हम लोग पहले क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो यहां पे हम लिखते हैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, यस और नो? यस, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके यहां पे हम लोग 1235 की जगह हम लोग ने कितना लिख दिया, 1325 लिख दिया, और फिर ऐसे ही कहने से हम लोग ने ई एफ और इन सब के ट्रांजेक्शन 1000 के रिकॉर्ड किए, कहने से अब जब इसका टोटल करेंगे तो कहने से इनका टोटल करके यहां लिख देंगे, तो इनका टोटल करके हम लोग ने यहां पे लिखा, तो कहने से ये कितना आ गया, ये आ गया 3325, ये एग्जांपल ले रहा हूं। कहने से जब मैंने 12325 को यहां पे कितना लिखा, 1325 लिखा, तो कहने से 1325 माइनस 1235 कितना आता है, यह आता है 90 रुपीज। कहने से मैंने यहां पे 90 रुपीज ज्यादा लिख दिया, और कहने से मैंने परचेस बुक में यहां पे 90 ज्यादा लिखा है, तो कहने से टोटल में भी 90 ज्यादा आ गया, और टोटल में ज्यादा 90 आया है, तो कहने से परचेस अकाउंट में भी मैंने डेबिट साइड 90 ज्यादा लिखा है, दैट मींस मैंने मेरी परचेस अकाउंट को क्या दिखा दिया है, ज्यादा दिखा दिया, कितने से 90। कहने से ए का अकाउंट, बी का अकाउंट, सी का अकाउंट, डी ई और एफ का अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है, उनके अमाउंट अकाउंट में, तो यहां से अमाउंट देख के लिख रहा हूं, तो ये अमाउंट तो मैंने क्या लिखी होगी, करेक्ट ही लिखी होगी, सिर्फ मैंने टोटलिंग मिस्टेक की है, तो कहने से सिर्फ और सिर्फ परचेस अकाउंट का टोटल ज्यादा दिखाने से परचेस अकाउंट का बैलेंस क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, तो क्या करेंगे, परचेस अकाउंट के बैलेंस को कम कर देंगे, तो डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे, क्योंकि ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग का क्वेश्चन है। तो देखो परचेस अकाउंट 90 रुपीज से क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, तो परचेस अकाउंट को 90 रुपीज से क्या करेंगे, कम करेंगे, तो कहने से टू परचेस अकाउंट, परचेस मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस को कम करना हो तो उसे क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट, और कहने से एंट्री पॉसिबल नहीं हो रही है, इसलिए क्या यूज कर लेंगे, सस्पेंस अकाउंट 90। बट क्योंकि ये एरर हम लोग नेक्स्ट ईयर रेक्टिफाई कर रहे हैं, कहने से हम कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट नहीं यूज कर सकते, इसलिए परचेस अकाउंट की जगह कौन सा अकाउंट यूज करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। मैं पहले नॉर्मल एंट्री लिखता हूं, फिर देखता हूं कि इस एंट्री में कोई इनकम एक्सपेंस का है क्या, ताकि क्या है, मेरे मिस्टेक्स करने के, ठीक है, चांसेस बहुत कम हो और मेरा क्वेश्चन सही आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ, कौन सा, जहां पे हमें जर्नल एंट्री करनी थी। अब देखो क्वेश्चन ने हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था फाइंड आउट द नेचर एंड अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट, यानी लास्ट ईयर में सस्पेंस अकाउंट यानी ट्रायल बैलेंस के बीच का डिफरेंस कितना था, वो भी पूछा है। कहने से अगर इतने ही एरर हैं मेरी बुक्स में, इतने ही एरर हैं, तो इतने एरर अगर मैं सारे रेक्टिफाई कर दूं, तो कहने से उसके बाद मेरा क्लोजिंग बैलेंस सस्पेंस अकाउंट का कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जीरो। अगर सारे एरर्स बुक्स में से क्या हो जाएं, रेक्टिफाई हो जाएं, तो सस्पेंस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना होता है, जीरो होता है। तो हम क्या करेंगे, एक सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, यहां पे एक सस्पेंस अकाउंट ड्रॉ करेंगे, और उसमें ना मैं एक लाइन छोड़ दूंगा, पहली लाइन छोड़ देता हूं, और उसके बाद क्या करता हूं, इस सारे ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना चालू करता हूं। सस्पेंस अकाउंट को यहां पे क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो देखो यहां पे लिखूंगा क्रेडिट साइड बाय पीएनएल एडजस्टमेंट, कितना है 1000 रुपीज, कितना है 1000 रुपीज। नेक्स्ट यहां पे देखो एक्स एंड वाई, कहने से यहां तो सस्पेंस है ही नहीं, यहां पे सस्पेंस को क्या करना है, डेबिट करना है, कितने से, 630 से, तो यहां पे लिखूंगा 2 PNL एडजस्टमेंट 630 से। अब यहां पे देखो कहने से इसमें भी सस्पेंस अकाउंट नहीं है, इसमें भी सस्पेंस अकाउंट नहीं है, इसमें सस्पेंस अकाउंट है, कितना 3000, तो कहने से डेबिट करना है इसमें सस्पेंस अकाउंट को, तो यहां लिखूंगा 2 RAM 1500। लेजर पोस्टिंग जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है, ओके, मैंने एक लाइन नहीं छोड़ा, सॉरी, एक लाइन छोड़ देंगे इसमें, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस हमें फाइंड करना रहेगा, बाय पीएनएल एडजस्टमेंट 1000, और यहां पे आ जाएगा 2 PNL एडजस्टमेंट 1000, सॉरी कितना था ये, 650 630, बराबर है। अब यहां पे आ जाएगा 2 RAM 2 Shyam, कितना 1500 1500, हो गया 3000 से सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये देख लो, यस और नो? यस। उसके बाद अगली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को 90 से डेबिट करना है, तो देखो यहां पे आ जाएगा 2 PNL एडजस्टमेंट
लास्ट में पीएनएल ही है क्या? हाँ, पीएनएल एडजस्टमेंट 90 रुपीज। ये सुनो, कैन आई से ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा रेक्टिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब कैन आई से अगर मैंने सारे एरर रेक्टिफाई कर दिए तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, आप कोई भी साइड लिखो उसका बैलेंस कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, क्योंकि सारे एरर रेक्टिफाई हो गए तो सस्पेंस अकाउंट तो रहना ही नहीं चाहिए। ये सुनो, चाहे जीरो है तो चाहे इस साइड आप लिखो या इस साइड लिखो, कहने से क्लोजिंग बैलेंस का कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए मेरा? जीरो होना चाहिए। कहने से यानी अब इस अकाउंट में मिसिंग क्या है? तो कहने से इस अकाउंट में देखो सारे ट्रांजेक्शन आ गए, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, तो बचा क्या? कहने से इस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस बचा। तो अब इस अकाउंट को आप बैलेंस करो, 630 प्लस 1500 प्लस 1500 प्लस 90, इस साइड का टोटल होता है 3720 और इस साइड का टोटल भी कितना होना चाहिए? 3720। तो कहने से इस साइड साल के स्टार्टिंग में 2720 रहा होगा। कितना रहा होगा? 2720 रहा होगा बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। तो जाके हमारा बैलेंस कितना आएगा? जीरो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस सस्पेंस अकाउंट में कितना था? 2720 था। उसके बाद हमने ये एरर्स रेक्टिफाई किए तो उसका बैलेंस कितना हो गया? जीरो हो गया। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है सस्पेंस अकाउंट का? 2720। और कौन सा बैलेंस है? वो क्रेडिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिट साइड लिखा है। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो इस तरह से आपको रिवर्स काम करना है कि भाई सारे एरर अगर मैं एरर रेक्टिफाई कर दूं तो मेरे अकाउंट का बैलेंस कितना आना चाहिए? कहने से मेरे अकाउंट का बैलेंस जीरो आना चाहिए। कितना आना चाहिए मेरे अकाउंट का बैलेंस? जीरो आना चाहिए। मैं बोला ये ट्रांजेक्शन है, अगर जीरो चाहिए लास्ट में मुझे तो स्टार्टिंग में बैलेंस कितना होना चाहिए? उल्टा सोचना हमें। तो कहने से 2720। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हुआ। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। आ जाओ 12 नंबर पे, उसके बाद ये लेक्चर एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। मैं ये सब रब कर देता हूं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है? द फॉलोइंग एरर्स आर कमिटेड बाय द अकाउंटेंट ऑफ गीता डाइकैम। ये क्वेश्चन आरटीपी 2018 मे अटेम एंड नवंबर 2019 के अटेम का आरटीपी का क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन आरटीपी में दो बार आ गया है, तो चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है ना आ सकता है। देर इज अ गुड नंबर ऑफ चांसेस कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि दो बार आरटीपी के अंदर आया, दैट मीन्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, देर इज अ चांस कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाए एज इट इज या फिर थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन, क्या बोलता है कि हमें क्रेडिट सेल किया 400 की टू त्रिवेदी एंड कंपनी वाज पोस्टेड टू देयर क्रेडिट अकाउंट। ये क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट, हमने उनके अकाउंट को क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है। दूसरा, परचेस ऑफ 420 फ्रॉम मंत्रा एंड कंपनी वाज पास थ्रू सेल्स डे बुक। यानी हमने परचेस किया उसको हमने किस में रिकॉर्ड कर दिया? हमने उसको सेल्स डे बुक में 240 के रूप से रिकॉर्ड कर दिया। अब क्या पूछा है? हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स अज्यूमिंग दैट। इसके अंदर तीन क्वेश्चन है, 12 के अंदर हमारे कितने क्वेश्चन है? तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, इफ द एरर्स आर डिडक्टेड, इफ दे आर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस से पहले पकड़े गए तो क्या? दूसरा, इफ द एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस के बाद में लेकिन बैलेंस शीट यानी फाइनल अकाउंट बनने से पहले। ठीक है, सी दे आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, यानी नेक्स्ट ईयर। क्या? नेक्स्ट ईयर। तो यहां पे तीनों स्टेज से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, बी वाले को, फिर क्या है हमारा आंसर थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले 12B को सॉल्व करता हूं। क्या कर रहा हूं मैं? पहले 12B को सॉल्व कर रहा हूं। 12B यानी रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस। यस और नो? कहने से आफ्टर ट्रायल बैलेंस है तो आई कैन यूज व्हाट? आई कैन यूज सस्पेंस अकाउंट। यस और नो? तो यहां पे लिखेंगे बुक्स ऑफ गीता डाइकैम, बुक्स ऑफ गीता डाइकैम, यहां पे लिख देंगे जर्नल। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, बराबर है। अब यहां पे आ जाओ। अब यहां पे देखो वर्किंग नोट नंबर वन।
सबसे पहला एरर देखो क्या लिखा है पहला एरर में। सबसे पहले एरर में लिखा है कि क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 400 टू टी एंड कंपनी, त्रिवेदी एंड कंपनी, उसको हमने क्या कर दिया उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो देखो एंट्री क्या होगी क्रेडिट सेल की, कहने से क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होगी, कहने से एंट्री होगी त्रिवेदी एंड कंपनी अकाउंट, त्रिवेदी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू, त्रिवेदी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री होगी, त्रिवेदी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट इज 400 रुपीज, कितना अमाउंट है 400 रुपए, तो कहने से यहां पे आ जाएगा 400 400। यस सुनो, यस नेक्स्ट आगे देखो, अभी कहने से ये राइट एंट्री है, रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया हमने, कहने से उनके अकाउंट में भी क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया, तो हमने गलती से एंट्री पास कर दी त्रिवेदी अकाउंट क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। हमने सेल्स में कोई गलती नहीं की, गलती हमने सिर्फ किस में की है, त्रिवेदी के अकाउंट में गलती की है। तो देखो ये रॉन्ग एंट्री है, अब बताओ ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, कहने से क्रेडिट साइड में इसमें 800 है और डेबिट साइड में इस एंट्री में कुछ भी नहीं है, दैट मींस ये एरर क्या करेगा, ये एरर हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। अब इसको रेक्टिफाई करते हैं, इसको क्या करते हैं रेक्टिफाई करते हैं। तो देखो सेल्स के अकाउंट को क्या करना था हमें, सेल्स के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना था और हमने किया भी क्या है क्रेडिट किया है, तो कहने से इसको अंडू नहीं करेंगे। त्रिवेदी के अकाउंट को हमने क्या किया है, कहने से क्रेडिट किया है, त्रिवेदी के अकाउंट को क्रेडिट करना था नहीं, त्रिवेदी के अकाउंट को क्रेडिट नहीं डेबिट करना था, तो कहने से इसको रेक्टिफाई करेंगे, कहने से यहां पे आ जाएगा त्रिवेदी अकाउंट डेबिट, त्रिवेदी अकाउंट डेबिट कितना 400 रुपीज। यस नेक्स्ट डू व्हाट इज राइट, डू व्हाट इज राइट में कहने से त्रिवेदी के अकाउंट को क्या करना है, त्रिवेदी के अकाउंट को हमें क्या करना है डेबिट करना है। हमने देखो यहां पे त्रिवेदी के अकाउंट को डेबिट किया है क्या, नहीं किया है, तो कहने से त्रिवेदी के अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट कर देंगे, यानी और 400 से डेबिट करेंगे तो टोटल डेबिट कितना हो जाएगा 800। और कहने से एरर तो रेक्टिफाई हो गया लेकिन मेरी एंट्री नहीं बन रही है, तो मैं क्या यूज कर लूंगा यहां पे, मैं सस्पेंस अकाउंट यूज कर लूंगा, मैं क्या यूज कर लूंगा यहां पे सस्पेंस अकाउंट यूज कर लूंगा। तो कहने ही से मेरी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन गई, त्रिवेदी अकाउंट डेबिट 800 टू सस्पेंस अकाउंट 800। मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है, पक्का यस। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इस एंट्री को लिख देंगे त्रिवेदी अकाउंट, त्रिवेदी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। क्यों सस्पेंस यूज किया, क्योंकि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, कितना 800 800। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो, अब सेकंड में क्या लिखा है, लिखा है परचेस ऑफ 420 फ्रॉम एम एंड कंपनी, मंत्रा एंड कंपनी वाज पास थ्रू सेल्स डे बुक, कहने से 420 का हमने परचेस किया, तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। अब इसमें देखो अमाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेस टू एम एंड कंपनी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एम एंड कंपनी, कितना 420 420। अब गलती से हमने क्या कर दिया, उसको सेल्स बुक में कितना लिख दिया है 240 लिख दिया है, तो सेल्स बुक में लिख दिया मतलब हम लोग ने उसको क्या मान लिया सेल्स मान लिया, तो एक्चुअल में हमने एंट्री क्या कर दी ममता एंड कंपनी टू टू सेल्स, कितना 240 240। अब अंडू व्हाट रॉन्ग हैज बीन डन, तो कहने से सेल्स के अकाउंट को हमने क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया, करना था नहीं करना था, तो क्या करेंगे सेल्स के अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, तो सेल्स अकाउंट डेबिट कितना 240। यहां पे देखो अमाउंट 240। यस नो, यस। एम के अकाउंट को हमने क्या कर दिया, एम के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, करना था नहीं करना था, क्या करेंगे एम के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, अकाउंट क्रेडिट कितना 240। यस नो, यस। नेक्स्ट डू व्हाट इज राइट, परचेस के अकाउंट को क्या करना था डेबिट करना था, किया है नहीं किया, तो कर देंगे परचेस अकाउंट डेबिट कितना 420 240 नहीं 420। यस सुनो, और एम के अकाउंट को क्रेडिट करना था, किया है नहीं किया, तो कहने से एम के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कहने से 240 से पहले क्रेडिट कर रखा है और 420 से और क्रेडिट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 660, कितना हो जाएगा 660। कैसे आया, कहने से 240 पहले किया और 420 बाद में किया। यस सुनो, तो कहने से ये मेरी क्या बन गई, ये मेरी रेक्टिफाइड एंट्री बन गई। यस सुनो, तो कहने से ये रेक्टिफाइड एंट्री यहां पे आ जाएगी क्या, सेल्स अकाउंट डेबिट परचेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट डेबिट परचेस अकाउंट डेबिट टू
मंत्रा एंड कंपनी, ये सुनो कैन आई से, ये 240 है, ये 420 है और ये 660 है, ये सुनो ये एरर क्या हो गया मेरा, रेक्टिफाई हो गया, ये एरर मेरा क्या हो गया, रेक्टिफाई हो गया। अब इस सेम क्वेश्चन को अगर मैं नेक्स्ट ईयर सॉल्व कर रहा होता, कब सॉल्व कर रहा होता, नेक्स्ट ईयर यानी 12C सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखो यहां पे, यानी रेक्टिफिकेशन इन सब्सिक्वेंट पीरियड यानी नेक्स्ट ईयर, तो कहने से एंट्रियां तो सेम रहेंगी, सिर्फ एक ही फर्क आ जाता है, यस और नो, तो कहने से 1 एंड 2। तो देखो पहले में क्या लिखा है, त्रिवेदी एंड कंपनी अकाउंट, यहां पे देखो क्या है मेरा एंट्री, त्रिवेदी एंड कंपनी अकाउंट, त्रिवेदी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, यस और नो, यस। तो कहने से इस केस में मेरा कोई भी इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी मेरा इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है, तो कहने से कहीं पे भी पीएनएल एडजस्टमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, सेल्स अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है, परचेस अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है, और मंत्रा का अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है, कहना इसे 240, 420 एंड 660, यस और नो, यस। तो कहना इसे ये मेरा क्या है, इनकम है, ये मेरा एक्सपेंस है, और कहना इसे ये मेरा या तो एसेट है या फिर लाइबिलिटी है। कहना इसे मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इनकम और एक्सपेंस अकाउंट की वजह से वॉयलेट होता है, इसके लिए कहना इसे इन दोनों अकाउंट को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से रिप्लेस कर दूंगा, तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, यहां से रब कर दूंगा, और कहने से यहां पे लिखूंगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना 240। कहने से दो बार डेबिट करने से अच्छा क्या है कि मैं एक ही बार डेबिट करूं और इनका टोटल एक साथ यहां पे कितना लिख दूं, यहां पे लिख दूं 660। तो मेरी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बन गई, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 660 टू मंत्रा अकाउंट 660। कहने से कुछ नहीं किया, जो आफ्टर ट्रायल बैलेंस का आंसर था सेम आएगा, बस एक ही फर्क है यहां पे, और वो फर्क क्या है कि भाई जहां पे इनकम एक्सपेंस का अकाउंट था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। समझ में आया कि नहीं आया। अब अगर इसी क्वेश्चन को अगर मुझे 12A यानी इसी क्वेश्चन को मुझे रेक्टिफाई करना होता इन द नेक्स्ट पीरियड, कब रेक्टिफाई करना होता, सॉरी बिफोर ट्रायल बैलेंस, तो कहने से बिफोर ट्रायल बैलेंस में जहां पे एंट्री पॉसिबल होगी वहां पे एंट्री करूंगा, और जहां पे एंट्री पॉसिबल नहीं होगी वहां पे क्या कर दूंगा, कहने से वहां पे स्टेटमेंट पास कर दूंगा। तो देखो कहने से यहां पे ये वाली एंट्री देखो, कहने से ये वाली एंट्री में मेरा विदाउट सस्पेंस कहने से मेरा एंट्री पॉसिबल नहीं है, और कहने से ये तो बिफोर ट्रायल बैलेंस है, रेक्टिफिकेशन बिफोर टीबी है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, कहने से ट्रायल बैलेंस नहीं है तो अभी तक सस्पेंस अकाउंट भी खुला नहीं है, और जब तक सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलेगा मैं उसको यूज नहीं कर सकता। तो कहने से इस केस में यहां पे एंट्री पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहां पे स्टेटमेंट पास करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे इन द त्रिवेदी अकाउंट, इन द त्रिवेदी एंड कंपनी अकाउंट ऑन डेबिट साइड, क्या करना है उसको हमें डेबिट करना है ना, तो ऑन डेबिट साइड वी विल पास द फॉलोइंग एंट्री, will pass the following statement, will pass the following statement, following statement। अब वो स्टेटमेंट क्या होगा, तो स्टेटमेंट होगा यहां पे टू रेक्टिफिकेशन फॉर ओवरकास्टिंग, सॉरी फॉर रॉन्ग पोस्टिंग, हमें नहीं मालूम ये ओवर है कि अंडर है, फॉर रॉन्ग पोस्टिंग कितना 800 रुपीज, कितना आ जाएगा यहां पे 800, यस और नो, यस। और कहने से यहां पे तो एंट्री पॉसिबल हो रही है ना, सस्पेंस अकाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो कहने से ये आंसर तो यहां पे क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा, तो यहां पे तो एंट्री सेम आएगी, सेल्स परचेस टू मंत्रा, और कहने से ये तो करंट ईयर के एक्सपेंस है और करंट ईयर के सेल परचेस में जा रहे हैं, तो यहां पे कोई मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट वॉयलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बिफोर ट्रायल बैलेंस यानी करंट ईयर में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर दे रहे हैं, यस और नो। तो एक ही क्वेश्चन तीन अलग अलग जगह पे अगर रेक्टिफाई होगा तो वो कैसे होगा, वो यहां पर इस क्वेश्चन में आपको बताया है। तो इस क्वेश्चन को आप A+ मार्क करोगे,
इस क्वेश्चन को आप ए प्लस मार्क करोगे। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने क्यों ए प्लस मार्क किया, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट इस क्वेश्चन के अंदर तीनों कॉन्सेप्ट, अगर ये क्वेश्चन मैंने किया ना तो तीनों कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं मेरे, पूरा रेक्टिफिकेशन का चैप्टर इस क्वेश्चन से क्या हो रहा है मेरा रिवाइज हो रहा है। तो एग्जाम से पहले एक बार इसको कर लेने ताकि मुझे पूरा रेक्टिफिकेशन का एक ओवरव्यू मिल जाए, इसलिए मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने ए कैटेगरी में मार्क किया ताकि मेरा सब कुछ रिविजन हो जाए, मेरा बिफोर ट्रायल बैलेंस रिविजन हो जाएगा, आफ्टर हो जाएगा और सब्सिक्वेंट ईयर में कैसे होगा वो हो जाएगा, तो तीनों का मुझे डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। समझ में आता है कि नहीं आता है पक्का? तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म हुआ। अब दो क्वेश्चन और बचे हमारे, कौन से, 9 और 10, ये हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। इसके बाद जितने भी होमवर्क के क्वेश्चन है ना, अब आप सारे होमवर्क के क्वेश्चन कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम वहां पे नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।